डंगल्स में साक्षी, मैं पूजा, मैं रितिका। और गाइस आज हम करने वाले हैं गेस द ब्रांड टैगलाइंस चैलेंज। यानी आज के चैलेंज में हमें करना क्या है, हमारे सामने रखी यहाँ पे चिट्स जिसके अंदर ना टैगलाइंस लिखी हुई है ब्रांड की, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस टैगलाइंस है जो हर ब्रांड में यूज की जाती है। हमें सिर्फ उन टैगलाइंस से अपने ब्रांड का नेम गेस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्फ एक्सेल का टैगलाइन होती है दाग अच्छे हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा दाग अच्छे हैं। हमें बताना है कि कौन से ब्रांड का, यानी सर्फ एक्सेल का। और गाइस यहाँ पे जो टैगलाइंस है उनको गेस करने के लिए जो हमारे पास टाइम है वो है 30 सेकंड्स का। 30 सेकंड्स के अंदर अगर हम हमारी टैगलाइन को गेस कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे फूड खाने के लिए मिल जाएगा, और वो फूड फिनिश करने के लिए हमारे पास होगा टोटल 1 मिनट। अगर 1 मिनट में हम यहाँ पे अपना फूड फिनिश कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे 1 पॉइंट मिल जाएगा। और गाइस आज के चैलेंज में होंगे 5 राउंड्स, तो जिसके पास होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट वो होगा विनर, और हारने वाले को मिलेगी पनिशमेंट। तो अब देखते हैं किसको मिलेगी पनिशमेंट और कौन होगा विनर आज का। तो गाइस हम जल्दी से आपको दिखाते हैं आज के चैलेंज में हमने क्या क्या ऑर्डर करा है। तो गाइस मेरे सामने रखे यहाँ पे गोल गप्पे, और यहाँ पे रखा उनका तीखा पानी, और इसी के साथ यहाँ पे रखे हमारे दही गोल गप्पे। और गाइस यहाँ पे रखे हमारे 2 टाइप के बर्गर, और इसी के साथ यहाँ पे रखा है समोसा और साथ में ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़े और समोसे की चटनी यहाँ पे रखी हुई है। और गाइस मेरे सामने जो प्लेट रखी है उसमें रखे हैं 4 टाइप के मोमोज। ये है कुरकुरे मोमोज, यहाँ पे रखे हमारे फ्राइड मोमोज, और ये है तंदूरी मोमोज, और यहाँ पे रखे अफगानी मोमोज, और साथ में यहाँ पे चटनी रखी हुई है मिंट की। और गाइस मेरे सामने रखे हैं छोले भटूरे और उनके साथ ही मीठी लस्सी, और इस प्लेट में रखे हैं स्प्रिंग रोल और उनकी तीखी तीखी चटनी। तो गाइस हम जल्दी से अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं मुझसे, यानी फर्स्ट राउंड पे चैलेंज करूंगी मैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपना फूड ले लेती हूँ, देन अपनी चिट चूज करती हूँ। तो गाइस फर्स्ट राउंड में मैंने लिए यहाँ पे छोले भटूरे, साथ में सैलड, और इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया 1/2 ग्लास लस्सी। तो गाइस जल्दी से मैं अपनी यहाँ पे चिट चूज कर लेती हूँ। चलो ओके, पहले उधर दिखाना। तो ये है मेरी चिट, स्टार्ट फिट है बॉस। अरे यार ये मुझे सुना हुआ है, फिट है बॉस। अबे यार ये किसका था, ये मैंने सुना हुआ है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा यार, ऐसे याद नहीं आ रहा, पता अपनी बॉडी में याद नहीं आता। 15 फिट है बॉस, ये पता है बहुत इजी सा है, फिट है बॉस। 20 सेकंड्स यार, पता मेरे मुंह में ना नाम नहीं आ रहा, पता दिमाग में, मुंह में नहीं आ रहा, यही तो फिट है बॉस। 26 करके जो होती है ना, जो बनियान होती है लड़कों की, उसी का है ये डॉलर। हाँ वो बोलता है क्या नाम है, अक्षय कुमार। फिट है बॉस, मतलब इसने डॉलर पहले बोल दिया था 30 सेकंड्स के अंदर ही, तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे साक्षी को फर्स्ट राउंड में फूड मिलेगा भाई, पता नहीं क्या दिमाग में था, गले में था, पर वो मुंह में आने का तैयार नहीं था, पता एंड में भगवान जैसे तैसे करके वो आ गया, वरना वो आ नहीं पाता। हाँ यहाँ पे मैंने गेस कर लिया है। तो साक्षी रेडी? यस। फिनिश कर लिया 58 सेकंड के अंदर ही, उसके पास टाइमर था 1 मिनट का। तो यहाँ पे साक्षी को 1 पॉइंट मिल गया फर्स्ट राउंड में। और ये छोले भटूरे इतने ज्यादा टेस्टी हो रहे थे ना, मैंने फर्स्ट राउंड में लिया, उनका जो टेस्ट था ना थोड़े और गर्म होते तो और अच्छा आता, पर इस टाइम पे भी बहुत अच्छा टेस्ट था। जो छोले थे ना वो प्रॉपर चटपटे छोले थे, जो हमें मोस्टली ढाबे वगैरह पे मिलता है ना वैसा टेस्ट है। साथ में जब मैंने लस्सी का सिप लिया, मजा आ गया। पूजा भी लाइक साक्षी इतने सेकंड हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं आराम से खाने दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 1 पॉइंट मिल चुका है, तो अब चलते हैं पूजा की तरफ। तो गाइस फर्स्ट राउंड में मैंने लिए यहाँ पे 3 अफगानी मोमोज और साथ में उनकी चटनी। तो अब मैं चूज कर दू यहाँ पे मेरी चिट, एंड देखते हैं क्या आता है। ओके, कुछ वैसा नहीं बोलूंगी। अरे ये तो बहुत बड़ी है। ओके, ये है मेरी टैगलाइन जो मुझे गेस करनी है। बट ना मेरे को ना ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, तो मुझे लगा यार मैं तो नहीं गेस कर पाऊंगी, बट ये बहुत ही इजी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं पूजा के फूड का टाइमर। पूजा रेडी? रेडी। स्टार्ट।
दिया तो पूजा को मिल जाएगा एक पॉइंट। और जो अफगानी मोमोज है ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, इनके ऊपर जो मलाई लगी है ना उसका टेस्ट इतना ज्यादा क्रीमी और बहुत मजा आ रहा था खाने में। ऊपर से इनकी जो चटनी है ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट भी मिल गया है और मैंने अपनी टैगलाइन भी गेस कर ली है। तो अब हम चलते हैं रितिका की तरफ। तो इस राउंड में मैंने लिए हैं स्प्रिंग रोल और उनके साथ ये तीखी चटनी। तो गाइस अब चूज कर लेती हूँ मैं अपने चेक और देखती हूँ क्या टैगलाइन आएगी। पहले उधर दिखाऊंगा। ओके तो गाइस ये है मेरी टैगलाइन स्टार्ट। ये दिल मांगे मोर। अब बताइए ये आती है तुम्हारे में बड़ी जल्दी आ गया अपना मेरा दिमाग ही गायब हो गया। यही होता है अपने वाले में यही होता है। मोर पता जब पता चलेगा ना कौन से ब्रांड का है यू विल बी रिग्रेट सीरियसली क्योंकि वो बहुत इजी है। यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30 यहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा। पेप्सी पेप्सी तो आई नहीं। मैं सोच रही क्या हो सकता है क्या हो सकता है। ये पेप्सी की टैगलाइन है, दिल मांगे मोर। तो गाइस ये थी मेरी टैगलाइन, ये दिल मांगे मोर, और ये थी पेप्सी की जो मैं गैस नहीं कर पाई इसलिए मुझे यहाँ पे कोई फूड नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है जिसे मेरे पास है 1 पॉइंट, पूजा के पास है 1 और रितिका के पास है 0। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिया एक बर्गर। तो साक्षी तुम अपनी चिट चूज कर लो यहाँ से। देखते हैं टैगलाइन कौन सी आती है। यार ये है मेरी चिट स्टार बड़े आराम से लक्स कोजी। ये नहीं यार है बड़े आराम से है लक्स कोजी की नहीं है बड़ी है। अच्छा अरे एक और होती है ना रूपा, नहीं रूपा की तो फ्रंट लाइन है। रूपा फ्रंट लाइन रूपा है नहीं कम वो खुद ही बोल रही है फ्रंट लाइन। अरे फिर भी बड़े आराम से एक और होती है यार वो पता यहाँ रखी हुई है लेकिन यहाँ से निकल वही होता है पता है। और यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, 30 स्टॉप। बड़े आराम से की अंडरवेयर का ब्रांड है कि बनियान का ब्रांड है पहले क्या कर लो। अभी हम पूछ रहे हैं तो बताना गाइस ये हमारी कौन सी वो है कंपनी। अबे यार पता मैं पूछ भी रही थी कि बनियान का कि अंडरवेयर का पहले क्लियर कर लो। अमूल माचो बड़े आराम से आप देखा कितनी जल्दी आया मेरे मुंह पे माचो बड़े आराम से समय पे नहीं आया। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियर पता है कि सेकंड राउंड में साक्षी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपनी टैगलाइन यहाँ पे गेस नहीं कर पाई है। तो अब चलते हैं मेरी तरफ। तो गाइस सेकंड राउंड में मैंने लिया यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और ये मैंने 1 मिनट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और साथ में है यहाँ पे चटनी। तो अब चूज करते हैं पूजा की चिट। पूजा चूज। तो गाइस ये है मेरी टैगलाइन। तो पूजा रेडी स्टार्ट। जो खाए खो जाए ये चॉकलेट है कैडबरी वाली वो है या 5 स्टार कैडबरी 5 स्टार यस डन। और पता है वो ना दो ऐसे वो होते हैं ना भाई होते जुड़वा होते हैं वो जब भी ऐसे बाइट लेते थे ना तो वैसे खो जाते थे पूरी चॉकलेट में। तो उससे मुझे थोड़ा याद आ गया था कि हाँ ये वही है। तो पूजा रेडी रेडी स्टार्ट। तो मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। बट जो हमारा ब्रेड पकौड़ा था ना वो बहुत ज्यादा यमी हो रहा था, उसके अंदर जो फिलिंग थी ना प्लस उसमें पनीर की जो प्रॉपर लेयर थी ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही थी। और बट मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिला है, मेरे पास अभी भी एक ही पॉइंट है। तो अब हम चलते हैं रितिका की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिए हैं दही गोलगप्पा। तो अब चूज करते हैं हम यहाँ पे रितिका की चिट। तो रितिका चूज कर लो चिट। ओके एंड लेट्स सी कौन सी टैगलाइन आती है। तो गाइस ये है मेरी चिट और अब मैं देखती हूँ क्या टैगलाइन स्टार्ट। सबसे तेज वो आज तक यस डन। तो गाइस मेरे चिट में आया था सबसे तेज, उसे देखते ही मुझे समझ आ गया था कि ये आज तक है। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसलिए मैंने थोड़ा लेट टाइम लेकर बोला कि आज तक, तो हमारी टीम ने बोला यस तो मुझे यहाँ पे फूड मिल गया है। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं रितिका का टाइमर। रेडी रेडी स्टार्ट।
वन मिनट से पहले ही अपना थम्स अप कर दिया है तो उसको इस राउंड में पॉइंट मिल जाएगा। और रितिका कैसे थे? जो मेरे दही गोलगप्पे थे ना वो बहुत ज्यादा यम्मी हो रहे थे और उसमें जो ग्रीन चटनी और रेड चटनी का मिक्सचर हो रहा था ना वो बहुत यम्मी लग रहा था, साथ में उसके अंदर वो मीठी दही ने उसका टेस्ट डबल कर दिया। तो फाइनली अब मुझे एक पॉइंट भी मिल गया है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड भी खत्म हो चुका है जिसमें हम तीनों के पास यहाँ पे वन पॉइंट है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइज यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया है बर्गर। तो गाइज हम जल्दी से चूज करते हैं अपनी चिट। ओके नीचे से निकली है ऐसा ना फिर से एंड में लग जाऊं। तो ये है मेरी चिट। अब यार बजाते रहो रेड एफएम। बहुत इजी था ये, पता स्टार्ट होते ही खत्म हो गया ये तो। बजाते रहो भाई स्कूल जाते टाइम बसों में इतना रेड एफएम सुना, इतना रेड एफएम सुना भूल ही नहीं सकते। ये एंड में आता बजाते रहो। तो यहाँ पे साक्षी ने गेस कर लिया है तो अब स्टार्ट करते हैं इसका फूड का टाइमर। ओके रेडी गेस स्टार्ट। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है और जो बर्गर था ना ये बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा था। इसके अंदर जो सॉसेस का ब्लास्ट हो रहा था ना बहुत ज्यादा टेस्टी था। टिक्की भी बहुत टेस्टी होती है, मतलब मुझे ओवरऑल बर्गर खाने में काफी मजा आया बट पानी के साथ खाना पड़ा तो थोड़ा स्वाद आगे पीछे हो गया था। बट यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल चुका है तो इसी के साथ मेरे पास हो चुका है टोटल दो पॉइंट। तो अब चलते हैं पूजा की तरफ। तो गाइस थर्ड राउंड में मैंने लिया यहाँ पे पांच गोलगप्पे और साथ में तीखा पानी। तो पूजा रेडी? रेडी चूज योर चिट। तो गाइस ये है मेरी चिट स्टार्ट ओपन। यार ये मुझे पता है, होता है बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दिमाग के ढक्कन खुले हुए हैं लेकिन ना बाहर नहीं निकल रहा वो। ओपन हैप्पीनेस, ओपन हैप्पीनेस, आई थिंक ये वही वाला है शायद। यार ये यार ये उसी का है आई थिंक। मतलब मेरे को थोड़ा दो चीजों में थोड़ी कंफ्यूज हूँ बट यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि पूजा 20 सेकंड्स हो गए हैं अभी तो दिमाग का ढक्कन नहीं खुल रहा। ओपन हैप्पीनेस शिट 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 27 28 29 30 प्लीज मुझे बताओ क्या है ये। मेरे दिमाग में दो चल रहा है, एक मेरे दिमाग में फ्लिपकार्ट का भी चल रहा है क्योंकि उसमें भी था ये ओपन हैप्पीनेस और एक आई थिंक कैडबरीज के जब दिवाली उसमें जाता है तब भी आता है। नहीं दोनों में से किसी का नहीं है पर आई थिंक फ्लिपकार्ट में है। नहीं है उसका कोई दूसरा होता है। तो मैं अब टीम से पूछ लेती हूँ डायरेक्ट इसका क्या आंसर है। कोका कोला में कह रही थी ओपन हैप्पीनेस मुझे पता है ये वाला लेकिन दिमाग में। तो यहाँ पे पूजा को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ना ही उसे मिला कोई फूड ना ही वो गेस कर पाई है। तो अब चलते हैं रितिका की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया स्प्रिंग रोल और तीखी चटनी। तो रितिका तुम अपनी चिट चूज कर लो यहाँ से। देखते हैं अब क्या होगा। जाती रहो। तो गाइस यार शिट। तो गाइस ये है मेरी चिट। को फूड मिल गया क्लियर पता है हमें क्योंकि उसने अपना टैगलाइन गेस कर ली है। तो रितिका रेडी? रेडी स्टार्ट। एक और पॉइंट मिल जाएगा। और गाइस मेरे स्प्रिंग रोल इतने टेस्टी थे ना, इतने स्पाइसी, इतने यम्मी। बस रितिका को पता है क्या है, वो चटनी कितनी भी ज्यादा स्पाइसी हो लगाओगे पूरी खाएगी फिर बाद में चाहे धुएं निकलते रहे।
तो गाइस यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड भी खत्म हो चुका है, जैसे मेरे पास है 2 पॉइंट, पूजा के पास है 1 और रितिका के पास है 2। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ राउंड की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिए कुरकुरे मोमोज, और आप लोग बोलोगे अभी कमेंट करके कि पूजा ने 3 मोमोज लिए थे, साक्षी ने 2 लिए, तो ये कुरकुरे मोमोज है इतने ज्यादा टाइट होते हैं कि चू भी नहीं करे जाते, 40 सेकंड में एक ही खत्म हो पाता है। तो साक्षी चूज करो अपनी चिट। ओके, तो गाइस ये है मेरी चिट। स्टार्ट। ये क्या लिखा है? अटरी बटरी डिलीशियस। अरे मुझे आता है अमूल 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 अमूल। यस, अटरी बटरी डिलीशियस अमूल। गाइस जो अमूल का मेन वाला था ना, वो ये था द टेस्ट ऑफ इंडिया। बस यहाँ पे ना क्राइम था, एक काफी टाइम पहले जैसे गाना चलता था उसमें आता है अटरी बटरी डिलीशियस अमूल, और अभी आता है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। वो दूध में आता है, मिल्क में, ये बटर में आता है। साक्षी रेडी? यस। स्टार्ट। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 1 मिनट से ज्यादा हो गया है, और साक्षी का ना अभी तक फूड खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उसके मुंह में है, तो इसका मतलब उसको इस राउंड में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये कुरकुरे मोमोज इतने ज्यादा क्रिस्पी थे कि वो पहले तक च्यू नहीं हो पा रहे थे, और अगर मैं जैसे बाइट लेके उन्हें च्यू भी करने की कोशिश करी थी ना विद वाटर भी, वो नहीं हो पा रहे थे। बट जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, और यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। तो अब चलते हैं पूजा की तरफ। तो गाइस मैंने यहाँ पे फिर से ले लिए गोल गप्पे और साथ में उनका तीखा चटपटा पानी। तो अब मैं चूज कर लेती हूँ यहाँ पे मेरी चिट। ओके, तो ये है मेरी चिट जो मुझे गेस करनी है। द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, डिज्नी। यस, वेरी गुड। ये मतलब थोड़ी ऐसी है कि हम जब देखते वगैरह ना तो आ जाती है टैग लाइन, कुछ लाइन अच्छी होती है। तो पूजा रेडी? रेडी। स्टार्ट। गोलगप्पे खा लिए हैं, और ना जो गोलगप्पे का पानी है ना इतना ज्यादा खट्टा है, और हल्का सा ना वो जो चटपटा फ्लेवर आता है वो फ्लेवर आ रहा है, और गोलगप्पे तो थे ही क्रंची, तो मुझे ओवरऑल खाने में बहुत मजा आया। और यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया है, तो मेरे पास हो चुका है टोटल 2 पॉइंट्स। तो अब हम चलते हैं रितिका की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिया एक समोसा, तो अब चूज करते हैं रितिका की टैग लाइन। तो रितिका चूज कर लो। देखते हैं क्या निकल गया आता है। तो गाइस ये है मेरी चिट, और अब देखते हैं। स्टार्ट। फास्ट टू कुक गुड टू ईट। फास्ट टू मैगी। यस, हाँ सही, क्योंकि वही सबसे जल्दी बनती है ना। और मेरी फेवरेट भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं रितिका का 1 मिनट वाला टाइमर। तो रितिका रेडी? रेडी। स्टार्ट। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है, और रितिका का फूड पूरा खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, तो उसको इस राउंड में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और गाइस जो मेरा समोसा था वो बहुत टेस्टी था, लेकिन
उसके जो कॉर्नर्स थे ना वो बहुत टाइट थे, जिसको च्यू करने में बहुत टाइम लग गया। बाकी ये दोनों चटनियां मिला के ना बहुत अच्छा टेस्ट बन रहा था। तो गाइस यहाँ पे हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम तीनों के पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिए 3 स्प्रिंग रोल और साथ में तीखी चटनी। तो गाइस अब मैं चूज कर लेती हूँ अपनी चिट। तो गाइस ये है मेरी चिट। स्टार्ट हैव इट योर वे। बर्गर किंग। यस मैंने मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि ये काइंड ऑफ शायद फूड से रिलेटेड हो। मैंने एक बार बर्गर किंग के आउटलेट के बाहर भी देखा था, बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी जैसे मैकडॉनल्ड्स के बाहर रहता है। हाँ। वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। I'm loving ऐसे कुछ होता है। I'm loving it। तो साक्षी रेडी? यस स्टार्ट। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहे थे, बस थोड़े से ड्राई हो गए थे क्योंकि काफी टाइम हो गए इनको रखे हुए। बट ओवरऑल जो टेस्ट है ना वो बहुत टेस्टी आ रहा है, चटनी के साथ खाने में तो मजा ही आ गया सच में। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है, मेरे हो चुके टोटल 3 पॉइंट्स। अब चलते हैं पूजा की तरफ। तो गाइस इस राउंड में मैंने लिए 3 दही गोलगप्पे। तो गाइस अब चूज करते हैं पूजा की चिट। ओके तो गाइस मेरे पास आई है ये चिट स्टार्ट। और ये है मैकडॉनल्ड्स। अभी बोल रहे थे यार, वो मैं सरस्वती बैठी हुई थी मतलब उसी टाइम पे, क्योंकि मैंने उस टाइम बोला था एक वो मैकडॉनल्ड्स की चिट होती है ना उसमें टैगलाइन आती है आई एम लविंग इट, और ये अभी पूजा पे ही आ गई बताओ। और भाई ये बहुत अच्छे से आ देती है आई एम लविंग इट, ये है मैकडॉनल्ड्स। तो पूजा रेडी? रेडी स्टार्ट। थम्स अप कर दिया तो पूजा को मिल जाएगा एक और पॉइंट, और इसी के साथ उसके पास हो चुका है टोटल 3 पॉइंट्स। और गाइस मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया है, और जो दही गोलगप्पे थे ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी थे। आपने देखा होगा मैंने ना बहुत प्यार से खाए हैं वो गोलगप्पे पूरा टेस्ट लेके, और जब लास्ट में ऐसा हुआ ना क्या इन्हें जल्दी बहुत टेस्ट ले लिया आप खा लो इन्हें, बट सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थे। और मुझे यहाँ पे पॉइंट भी मिल गया, मेरे पास भी 3 पॉइंट हो चुके हैं। तो गाइस अब चूज करते हैं हम रितिका की चिट। तो रितिका चूज कर लो। ये वाली। तो गाइस ये है मेरी चिट। ओके रेडी रेडी स्टार्ट। जोर का झटका धीरे से लगा। मिरिंडा। यस। तो यहाँ पे रितिका ने अपनी टैगलाइन बहुत जल्दी गैस कर ली थी, मुझे लगता है वो ज्यादा मिरिंडा पीती होगी। हाँ जब मैं छोटी थी ना तो मैं ज्यादातर मिरिंडा ही पीती थी, मिरिंडा और फैंटा ये दो मेरी फेवरेट थी। तो नाइस मिरिंडा ना ज्यादातर उसकी यूनिक बॉटल की वजह से भी खरीदी जाती है, थोड़ी सी स्लिम सी बॉटल थी ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रितिका का टाइमर स्टार्ट। थम्स अप कर दिया था उसे मिल जाएगा 1 पॉइंट, और उसके पास मिल चुके टोटल 3 पॉइंट्स।
और गाइस आज के चैलेंज में यहाँ पे रितिका ने बताया था कि हमारे टोटल 5 राउंड्स होंगे और 5 राउंड्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और हम तीनों के पास ही यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स हैं। और गाइस हमेशा की तरह मेरे गोलगप्पे थे वो बहुत ज्यादा टेस्टी थे। तो गाइस यहाँ पे हमारे 5 राउंड खत्म हो चुके हैं जिसमें हम तीनों के पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। ना कोई जीता है ना कोई हारा, मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पनिशमेंट, क्योंकि 5 राउंड थे, हम लोग के पास सिर्फ 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट हम लोग नहीं कमा पाए हैं। तो अब जल्द से जल्द हमारी पनिशमेंट की ओर। तो गाइस यहाँ पे हम तीनों आ गए हैं पनिशमेंट करने के लिए, लेकिन हमें ना आज के चैलेंज के लिए एक विनर तो चाहिए, लेकिन हम वो डिसाइड कैसे करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे एक गेम खेलने वाले हैं, वो है ये बैट और बॉल से, जो जितनी बार टैप करेगा ऐसे आज के अभी वाले गेम में जो सबसे ज्यादा टैप करेगा वो जीत जाएगा, और जिसके सबसे कम होंगे यानी जो जीतेगा उससे कम होंगे तो वो फिर पनिशमेंट करेंगे। कुछ भी हो सकती है यार पनिशमेंट में। और जब बैट पूजा के हाथ में तो शुरुआत ही पूजा से ही कर देते हैं। स्टार्टिंग होगी पूजा से। पूजा स्टार्ट, रेडी स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मुझे पता नहीं इतनी जल्दी हो गया यार, 5 चक्कर ही हो गई। मैं तो मुझे तो काउंट ही मत करो। 9 9 तो गाइस यहाँ पे पूजा ने 9 टाइम्स इस बैट से अपनी बॉल को टैप करा। और यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मैंने खराब कर दिया। तो गाइस अब बारी है मेरी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यही हो गए। 400 चला जाता है, मतलब जिस हिसाब से चल रही थी मेरी बॉल। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो टारगेट बनाया वो बनाया 204। रितिका तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी इसे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं खेलने की जरूरत नहीं है। कोशिश कर लो, क्या पता 100 तक नहीं आए। रेडी स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 2 बॉल से हारी हो लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे हमारा विनर मिल चुका है जो कि है साक्षी। 2 बॉल से वो जीत चुकी है। तो गाइस अब मैं करवाऊंगी इनसे यहाँ पे सेटअप, ज्यादा मेहनत नहीं करवाते, बेचारों ने बहुत मेहनत करी है। तो यहाँ पे तुम्हें 10 सेटअप्स करने हैं, 10 ही पूजा को, 10 ही रितिका को। तो गाइस रेडी? रेडी। ओके स्टार्ट। 1 पनिशमेंट, और ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।